एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। चलिए आज बनाते हैं नॉर्थ ईस्ट स्पेशल वेज मोमो। तो नॉर्थ ईस्ट में कैसे बनाया जाता है, बहुत ही यूनिक सा रेसिपी है। प्रॉपर तरीके में बताऊँ कंप्लीट रेसिपी, तो रेसिपी फॉलो कीजिए, आप भी ऐसा घर में बना सकते हो। तो शुरू करते हैं, उसके लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट जरूरत है देखते हैं। सबसे पहले हमको चाहिए ऑनियन, जिंजर, कैरेट, केवेज। ये हमने कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर रैप करके रखे हैं, वॉश करके। ये हमारा स्प्रिंग ऑनियन है, इसमें ऐड करूँगा थोड़ा सा पनीर, एक ग्रीन चिली। तो शुरू करते हैं कटिंग। सबसे पहले कटिंग कर लेते हैं कैबेज। कैबेज को हमने मशीन में चॉप करूँगा, तो इसलिए उसको रॉफ कटिंग कर लेंगे। उसका जो ये हार्ड वाला पार्ट उसको निकाल दीजिए। ऐसे सारे हार्ड पार्ट निकाल दीजिए, उसको ऐसे बीच से कटिंग कीजिए। ऐसे रॉफ कटिंग करके हमको मशीन में चॉप करना है। हमको थोड़ा सा यूज में बनाते हैं तो मशीन यूज करते हैं। आप चाहे तो हाथ में भी चॉप कर सकते हो नाइफ से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। केवल इसको इस तरह रफ कर लेना है। उसमें मैं डालूंगा 2 पीस कैरेट। कैरेट को भी इस तरह रफ कटिंग कर लेना है। तो कैरेट और केवल हमारा ऑलमोस्ट हो गया। तो निकालते हैं एक बाउल में। ये है हमारा फूड प्रोसेसर, इसमें करेंगे कैबेज का चॉप। इसको लगाते हैं अभी उसका, तो ये हमारा लग गया। इसमें डालेंगे ये कैरेट एंड कैबेज। लगाते हैं ढक्कन। कैबेज और कैरेट हमारा हो गया चॉप। देख सकते हो कितना बढ़िया चॉप हुआ है। उसको जब रिमूव करे, इसका जो अंदर का जो ब्लेड है उसको निकाले और डाले। ऑलमोस्ट सारे हमारा केबेज एंड कैरेट हो गया। अभी काटते हैं हमारा ऑनियन। ऑनियन को फाइन चॉप करना है, केबेज जैसे किया था ऐसे करना है। उसको हम नाइफ में कर लेंगे, ये हमारा चप्पड़ है। तो ऑनियन को इस तरह ही काट लेना है, मैं जैसे कटिंग कर रहा हूँ। आपका पास अगर मशीन है मशीन में डाल सकते हो, बट इसको मैं हाथ में कर लेता हूँ, अच्छा रहेगा। मशीन में ऑनियन को डालूंगा ज़्यादा पानी निकल जाएगा, का फ्लेवर ही खत्म हो जाएगा। तो इसमें नाइफ में कटिए, इसका फ्लेवर अच्छा रहेगा। ऑनियन को इस तरह सारे काट लीजिए, मैंने जैसे काटा फाइन चॉप। अभी ऑनियन का निकाल लेते एक बाउल में, देन और भी कुछ कटिंग करना है। अभी करते हैं ये हमारा ग्रीन चिली। तो ग्रीन चिली को भी इस तरह फाइन चॉप कर लेना है, अच्छा से काटिए। आपका स्पीड जैसा है वैसा कीजिए, जैसे कि मैं जैसा स्पीड में काट रहा हूँ आप ऐसा मत कीजिए, हाथ कटने का चांसेस रहता है। ये नाइफ में बहुत धार है। ग्रीन चिली कटिंग करने के बाद उसको फाइन करने के लिए ऊपर से और थोड़ा सा चॉप करके चला लीजिए। ग्रीन चिली हो गया हमारा फाइन चॉप, उसको मिलाते हैं ऑनियन में। अभी काटेंगे हमारा जिंजर। जिंजर को हमने पील कर लिया, अभी पील कर लीजिए, पील किया जिंजर अच्छा लगेगा। तो जिसको भी फाइन चॉप करेंगे, पहले जिंजर को पहले ऐसे पतला पतला स्लाइस कर लीजिए, उसके बाद ऐसे सजा लीजिए बढ़िया से लाइन करके, आपको कटिंग करने के लिए आसान रहेगा। उसके बाद यहाँ से ऐसे पकड़े, देख सकते हो कितना जुलियन निकल रहा है। उसके बाद चॉप होगा, जिंजर हमने कितना पतला पतला कर लिया है। और एक बात मैं सजेस्ट करूँगा आपको, गार्लिक भी डाल सकते हो, आपके लिए ऑप्शनल है, बट जिंजर ही डाले मोमोज में अच्छा ही रहता है। ऑनियन जिंजर का जो फ्लेवर आता है, टेस्ट रहता है, सबसे अच्छा रहता है। गार्लिक उतना अच्छा नहीं रहता है। चटनी में आप गार्लिक डालिए, गार्लिक फ्लेवर का चटनी बनाइए, तो आपका जो चटनी और मोमोज का जो कम्बिनेशन है वह बराबर रहेगा। जिंजर हमारा फाइन चॉप हो गया। जिंजर को अभी ऑनियन के साथ मिला देंगे। अभी ऑनियन का अंदर आ गया जिंजर। आपका पास अगर ये क्लीन रैप है
तो कोरिएंडर को वॉश करके एक क्लीनर पे ऐसे रैप करके रखिए, और फ्रेश रहेगा, तेज भी रहेगा और अच्छा रहेगा, और पकड़ के काटने भी आसान रहेगा। इतना भी करके रख ले तो कटिंग करने में आसान रहेगा। तो देख लीजिए मैं कैसे कटिंग करता हूँ। हमारा हरे धनिया का तो ऐसे फाइन कर लेना है चॉप, तो हमें कर लिया। अब ये ग्रीन चिली, ऑनियन, जिंजर का साथ आ गया हमारा ये हरी हरी करियंडर। अभी जाके इसमें अंदर ये स्प्रिंग अनियन हमारा ये मोटे वाला पार्ट भी डालना है, हार्ड पार्ट, और ये सॉफ्ट पार्ट भी डालना है। तो दोनों साइड से हमने ये रैप, ये फुल रैप करके रखा है, तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा काट लेंगे। स्प्रिंग अनियन जो उसका रूट का पार्ट का टेस्ट अलग होता है और उसका ब्रांच का पार्ट अलग रहता है। इसे लीव है, ब्रांच नहीं, लीव है। तो ये जो ऊपर का लीव है उसका टेस्ट एक यूनिक सा फ्रेश टेस्ट आता है, उसका जो रूट का पार्ट होता है वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग टेस्ट आता है। तो दोनों पार्ट में ऐड करूँगा। तो ये हो गया हमारा लीव्स का, इसको ऐड करूँगा ये रूट का। ये रूट वाला पार्ट का भी ऐसे ही कटिंग कर लेना है। अभी हमारा डालते हैं ये स्प्रिंग अनियन फाइन चॉप, ऑनियन, करेंडर, ग्रीन चिली, जिंजर का साथ। तो सारे वेजिटेबल हमने कटिंग कर लिया, अभी उसमें डालेंगे थोड़ा सा पनीर। तो पनीर को हमने ले लिया पनीर स्लाब, उसको पनीर को ग्रेट कर देंगे, पनीर ग्रेट करके मैरिनेट कर देंगे सब। हमारा पनीर भी हो गया ग्रेट, अभी करते हैं उसको और जो मसाला इंग्रेडिएंट है हमारा डालते हैं उसमें। सबसे पहले इसमें डालूँगा थोड़ा सा शुगर, ये जाएगा हमारा ये व्हाइट पेपर, उसके बाद डालूँगा ये हमारा आरोमेट मिक्स, और जाएगा ये हमारा सॉल्ट, सॉल्ट टेस्ट टू सॉल्ट। अभी मैं डालूँगा इसमें ऑयल, ये सनफ्लावर ऑयल है, ऑयल ज़्यादा मत डालिए। सोच लीजिए आप 1.5 मतलब एक किलो केबेज और हाफ किलो सारे इंग्रेडिएंट मिला के, कैरेट, स्प्रिंग अनियन, ऑनियन मिला के, तो आपका हो जाए 1.5 हो गया। अब पनीर डालिए 200 ग्राम, ऑयल भी डालिए 250 ग्राम, 250 ml, तो उसमें आपका परफेक्ट बनेगा। ज़्यादा ऑयल ऐड मत कीजिए, ऐसे नहीं कि ज़्यादा ऑयल देने से टेस्ट बढ़ेगा, ऐसा कोई नहीं, कुछ नहीं है। तो सारे अभी मिला लेते हैं बढ़िया से। आप सोचते हैं केबेज और कैरेट कहाँ गया, उसको भी मिलाएंगे, पहले इसको मिला लेते हैं। इसके अंदर अभी जाएगा ये हमारा फाइन चॉप केबेज। तो सारे स्टफिंग को हम बढ़िया से मिला लेंगे, मिला के उसको थोड़ी देर रेस्ट के लिए छोड़ देंगे डिप में, तो फोल्ड करने के लिए आसान रहेगा हमको। तो चलिए फ्रेंड्स, मोमोज का जो मैरिनेट है, मैरिनेशन है स्टफिंग का, तो उसको हम करके अभी डिप में डाल दिया। अभी लगाते हैं मैदा, तो मैदा भी लगाएंगे नॉर्थ ईस्ट स्टाइल। तो नॉर्थ ईस्ट में जो मैदा लगाने का और मोमो स्टफिंग सेपरेट सेपरेट डिफरेंट होता है, तो मैदा भी फॉलो कीजिए, मैदा कैसे लगाते हैं। तो मैदा का लगाना सीख जाएगा मोमो, उसका व्हाइट बनेगा, टेस्टी बनेगा, सॉफ्ट बनेगा और अच्छा भी लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, मैदा कैसे लगाते हैं, दो कैसे लगाते हैं। हम ले लिए 2 पैकेट मैदा, आधा किलो का पैकेट है, तो 1 किलो का मैदा हम ले लिए हैं, उसको अभी दो बनाएंगे। तो सबसे पहले मैदा आएगा हमारा ये बाउल में, मैदा लगाने के बाउल ही चाहिए। तो अभी डालते हैं 2 पैकेट मैदा को। अच्छा, अभी डालते हैं उसमें सॉल्ट, सॉल्ट टू टेस्ट, थोड़ा सा शुगर। अब इसमें जाएगा हमारा 50 ml ऑयल, 1 किलो मैदा में 50 ml ऑयल डालिए, तो स्प्रेड कर, जब रोलिंग करेंगे तो मैदा आपका अच्छा से स्प्रेड होगा। ऑयल, सॉल्ट और शुगर को अच्छा से मिला लीजिए, उसके बाद पानी ऐड करेंगे मैं उसको। ऑयल को अच्छा से पहले मिलाने के बाद पानी ऐड करने से अच्छा से मिक्स हो जाएगा। अभी इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी को स्प्रिंकल करके डालिए, क्योंकि स्प्रिंकल करके अगर नहीं डालेंगे तो गीला हो जाएगा। आप मोमो का मैदा लगाने के लिए जाएंगे, बन जाएगा बटर का मैदा, तो ऐसा नहीं करना है। मोमो का दो थोड़ा टाइट बनता है, उतना भी नहीं टाइट, 50% ऑलमोस्ट सेट हो चुका है, और 50% के लिए हमने इतना पानी ले लिया। तो
उसको मिलाते हैं बढ़िया से। हमारा दो ऑलमोस्ट बन के हो गया तैयार, उसको भी राप कर देते हैं। राप करके रेस्टिंग के लिए छोड़ देंगे मिनिमम आधा घंटा से एक घंटा। राप करने से पहले ऊपर से थोड़ा ऑयल लगा लीजिए, ऊपर का हिस्सा ड्राई नहीं जैसे होगा। तो ऑयल हमने लगा लिया, अभी मैंने ले लिया क्लीन रफ। तो क्लीन रफ को अंदर ये दो को हमारा राप कर देंगे। आपका पास अगर ये क्लीन रफ नहीं है तो ऐसे ही इसी बाउल में रख दीजिए और किसी भीगे हुए कपड़ा, वाइट कपड़ा, ढक्कन लगा दीजिए। तो मैंने राप कर लिया, राप करके इसी बाउल में ही छोड़ देते हैं एक घंटा। उसके बाद रोलिंग करेंगे और स्टॉपिंग करेंगे, दिखाऊंगा आपको कैसे फोल्ड किया जाता है मोमो। तो बने रहिए वीडियो में। तो चलिए फ्रेंड्स, मोमो का स्टॉपिंग मैं बना के पहले रख दिया था, दो भी हमारा लग गया। अभी स्टॉपिंग करेंगे, फोल्डिंग करेंगे मोमो, तो उसका प्रोसेस मैं दिखाता हूँ। अभी दो जो हमने राप करके रखा था उसको अभी खोल लेते हैं। पूरा बढ़िया से सेट हो चुका है, पूरा सॉफ्ट मस्त ज़बरदस्त पूरा दो बना है। उसको कटिंग कर लेंगे ऐसा छोटा छोटा, हमको इतना सारा बनाना है। पहले ये मैदा को थोड़ा ऐसे थोड़ा रोल कर लीजिए, सब सारे ऐसे करके रखिए। अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो अच्छा रहेगा, आपको जल्दी इजी होगा काम करने में। उसको तो ऐसे ही रोल कर लीजिए, रोल करने में उसको कटिंग करेंगे अभी। इसका जो पेड़ा बनेगा, एक पेड़ा 15 से 17 ग्राम का अंदर बनना चाहिए, तो आपको परफेक्ट साइज बनेगा। ऐसे कटिंग कर लीजिए नाइफ की मदद से, उसको वेट करके भी आप काट सकते हो। ऐसे अंदाज में बता रहा हूँ, अंदाज नहीं है, परफेक्ट साइज है, 15 से 17 ग्राम ही होगा। उसको ऐसे दबा लीजिए, ऐसे दबा के उसको साइड कर दीजिए। जब रोलिंग पर रोलिंग करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा स्प्रेड। तो सारे ऐसे कर लेते हैं। इसको जो दबाई ना, उसको ऐसे रखिए, ऐसे सेंटर से दबाइए, तो ऐसे ही फ्रेड ये हो जाएगा। अगर टेढ़ा करके दबाएंगे तो ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, आपको अच्छा बेलेगा नहीं। ओके, तो ऐसे ही दबा के साइड कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी रोलिंग कर लेते हैं। रोलिंग करेंगे हम ले लिया रोलिंग पेन, तो रोलिंग पेन में हम बेलेंगे। आपको अगर इसका मदद से बेलना चाहते हो बेल सकते हो, बट इसमें आसान रहता है। इसमें और इसमें फ़र्क क्या है मैं बताऊँगा। पहले मैं बेल लेता हूँ, इसमें दिखाता हूँ कैसे बेलते हैं। इसमें वन हैंड में बेला जाता है। तो ऐसे पकड़िए, ऐसे एक साइड से सेंटर तक लीजिए, देख सकते हो कितना बढ़ेगा, बढ़िया से ऐसे ही पतला बेलना है, ज़्यादा मोटा नहीं करना है, ऐसे ही बेल लेंगे। और एक दिखा देता हूँ कैसे बेला जाता है सिंगल हैंड में। इसमें बेलने से क्या होगा ना, आप अगर इसमें बेल रहे हो इसमें भी हो जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। तो इसमें बेल के दिखा रहा हूँ, ये आपका क्या हो जाएगा ना, ये तो हो गया, मतलब जल्दी भी हो गया, लेकिन क्या होगा इसमें और इसमें अंतर क्या होगा, नहीं इसका जो पार्ट है ये चारों तरफ सेम हो गया। और रोलिंग पेन में बेलने से क्या होगा ना, ये बीच का पार्ट थोड़ा मोटा रहेगा और साइड से पतला होगा, तो आपका मोमो फाटेगा नहीं और टूट जाएगा नहीं। तो इसमें टूटने का चांसेस है, इसमें टूटेगा नहीं, अच्छा बनेगा। बट दोनों में बेल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फ़र्क और कुछ नहीं है। तो सारे बेल लेंगे ऐसा, थोड़ा सा मैदा टच कीजिए, बस ऐसे ही करते रहिए सिंगल हैंड में। अभी प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा, ऐसे नहीं कि नहीं होगा। ये रोलिंग बेल में क्या होता है ना, आपसे चारों साइड पतला हो जाता है, सेंटर में थोड़ा मोटा रहता है। तो मामा आपका स्टीम होने के बाद फटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, यही फ़र्क और कुछ नहीं है। जब भी आप मोमो फोल्ड करें, स्टीमर में लगाएं, तो स्टीमर में लगाने से पहले आप एक स्टीमर ले लीजिए। मेरे पास ये स्टीमर है, तो उसमें हम पहले ऑयल ग्रीसिंग कर देंगे। ऑयल ग्रीसिंग करने से क्या होगा ना, मोमो आपका चिपकेगा नहीं, अच्छा से बॉयल होगा, और जब उठाएंगे कोई दिक्कत नहीं रहेगा, आराम से उठा सकते हैं। अगर ऑयल लगाना नहीं चाहते हो
तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। केले का पत्ता, ये केबेज का पत्ता, ये आपका बटर पेपर, कुछ भी दे सकते हो। तो शुरू करते हैं हम भी फोल्डिंग। तो जब भी फोल्डिंग करें, एक स्पून ऐसा पकड़े, तो स्पून का मदद से आप मसाला ऐसे उठाए, स्टफिंग सेंटर में डाले। मैं आपको दो तीन तरह का फोल्डिंग दिखाऊंगा। ये एक तरह का फोल्डिंग है, ऐसे ही करते रहिए, बहुत आसान है, इसका करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। देख सकते हो कितना बढ़िया बना है। तो मैं आपकी दिखा रहा हूँ दो तीन तरह का, तो आपको जिस तरह अच्छा लगे, आसान लगे, आप कर सकते हो। और एक मुड़ता हूँ, जैसे मैं मुड़ा पहले, ऐसे ही पकड़िए, दोनों साइड से इसे चिपकाते जाइए। देख लीजिए कितना बढ़िया बना है। हमने एक एक करके सारे कर लिया, अभी इसको स्टीमर में लगाते हैं। ये एक टाइप का फोल्डिंग है, इस टाइप का कर सकते हो, और एक टाइप का मैं दिखाऊंगा, तो इसका भी स्टीमर में लगाते हैं। तो स्टीमर में हमने पहले से पानी ले चुका हूँ, अभी डालते हैं इसको, इसका पहले ढक्कन लगाते हैं। नहीं, ओनली 5 मिनट्स में आपका मोमो स्टीम हो जाएगा, तो 5 मिनट तक उसको छोड़ देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, और एक टाइप का मैं दिखाता हूँ फोल्डिंग आपको। तो सेम टू सेम ऐसे ही सेंटर में रखना है स्टॉपिंग, उसको ऐसे पहला चिपका दीजिए, उसका एक साइड से फोल्ड होगा, एक साइड से चिपकाते जाएंगे, एक साइड से फोल्ड करेंगे, एक साइड से चिपकाते जाएंगे। ये वन टाइप ऑफ फोल्डिंग है, देख सकते हो ये कैसा बना है। तो रखते हैं उसको स्टीमर में, तो ऐसे सारे कर लेंगे। और एक मैं दिखा देता हूँ, ऐसे ही करना है आराम से, मैं धीरे धीरे करके आपको दिखा रहा हूँ, इस तरह आप भी कर सकते हो। तो इस तरह सारे ऐसे ही कर लेना है, देख सकते हो कैसे मैं फोल्डिंग किया। ये वन टाइप ऑफ फोल्डिंग है, और एक इजी प्रोसेस दिखाता हूँ, आप अगर ऐसा कर नहीं सकते हो, ऐसे ही लीजिए, सेंटर में डालिए, उसको दोनों साइड से ऐसे चिपका दीजिए, ऐसे चिपका दीजिए दोनों साइड से, ये हो गया चिप गया, बस उसको ऐसा पकड़िए और ऐसा सटा दीजिए। ये एक टाइप ऑफ, ये सबसे इजी प्रोसेस है, आप कर सकते हो उसको। तो इसको वो रख देते हैं स्टीम करने के लिए। पहले जो मैंने लगाया था स्टीमर में, ये वाला, तो ये हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, उसको निकालते हैं। देख सकते हो कितना बढ़िया स्टीम हुआ है, उसी उबलता हुआ पानी में फिर इसको हम डालते हैं, इसको भी स्टीमर कर लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मोमोस हमारा स्टीम हो चुका है, अभी प्लेटिंग करते हैं उसको और टेस्ट करके बताते हैं। टेस्ट करने के बताने क्या, मैंने बनाया खुद, अच्छा ही लगेगा, बट आपको भी जानना ज़रूरी है कैसा स्टीम हुआ है, स्टॉपिंग कैसा गया, दिख रहा है कैसा, सब कुछ बताएंगे। तो अभी प्लेटिंग करते हैं, उसको बताते हैं आपको। तो सबसे पहले करते हैं गैस को ऑफ, निकालते हैं हमारा मोमो, देख सकते हो स्टीम हो चुका है। अभी हमारा ये जो बम्बू का स्टीमर है, उसका अंदर मोमो का प्लेटिंग होगा। तो उसका नीचे हम डाल देते हैं ये केबेज का पत्ता, तो केबेज का पत्ता के ऊपर हम मोमो डालेंगे। तो ये आ गया हमारा मोमो वेजिटेरियन है, वो ज़बरदस्त रेसिपी है, नॉर्थ ईस्ट स्पेशल है, बड़ी मज़ा आएगा आपको खाने में। तो इसमें आ गया हमारा मोमो, अभी ऊपर से और एक पीस, ऊपर से थोड़ा सा ये हरी हरी स्प्रिंग अनियन, देन बन के हो गया मोमो तैयार। सॉस देख सकते हो, ये हमारा स्वीट चिली सॉस है, ग्रीन चटनी एंड मोमो चटनी, इसका स्पेशल रेसिपी है, ऑलरेडी अपलोडेड है, शॉर्ट में है, फुल में मैं ऐड कर दूंगा। अगर शॉर्ट में देखना चाहते हो देख सकते हो, इसका सबसे बढ़िया रेसिपी है मोमो से। तो ये ग्रीन चटनी, और ग्रीन चटनी का ऐड नहीं किया, लेकिन रेड चटनी का ऑलरेडी शॉर्ट है, आप देख सकते हो। और ये हमारा स्वीट चिली सॉस, तो मज़ा लीजिए। तो मैं अभी दिखाता हूँ मोमो हमारा कैसे बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अभी टेस्ट करके बताते हैं। ये जो मोमो से, अभी उसको तोड़ूंगा, अंदर में पूरा जबरदस्त झकास, ज़बरदस्त, उसमें सॉस में थोड़ा डीप करता हूँ। बहुत ही इमेजिन, ज़बरदस्त मज़ा आ गया, ऐसा आप भी बना सकते हो,
ज़्यादा झोलझाल नहीं है, नॉर्मल से इंग्रेडिएंट है वही केवेज बीन्स पनीर। आप चाहे तो पटाटो ऐड कर सकते हो, बट मैंने पटाटो ऐड नहीं किया, कोरिएंडर स्प्रिंग अनियन। बड़ी मज़ा आया, नॉर्थ ईस्ट वाले ने इससे अच्छा शायद बना नहीं पाएगा, मैं दवा के साथ बोल सकता हूँ, बुरा नहीं मानना अगर नॉर्थ ईस्ट कोई मेरा वीडियो देख रहा है तो। लेकिन अच्छा बना, जब भी बना अच्छा बना, एक बार ऐसा आप ट्राई करो, ज़बरदस्त लगेगा, अच्छा लगेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, और क्या रेसिपी आना चाहिए मेरे चैनल में ज़रूर कमेंट करके बताएं। फिर मिलते हैं अगला रेसिपी में, तब तक के लिए जय जगन्नाथ।